भारतीय जनता पार्टी के एमपी रमेश भदूरी जी ने जिस ढंग से इस किसान आंदोलन के अंदर भाषण दिया, पब्लिकली बोले, वो अपने आप में एक शर्मनाक काम है। मैंने जब उनको बोलते हुए देखा तो बड़ी हैरानी हुई। एक चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट का किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी आंदोलन के बारे में और समाज के उस वर्ग के बारे में जिससे वो खुद भी आते हैं, तो भदूरी जी भी गुज्जर है, गुज्जर भी किसान होते हैं, बहुत बढ़िया किस्म के किसान माने जाते हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा किसानी उनके पास ही है, उनके परिवार के पास। लेकिन वो अगर एक किसान आंदोलन के बारे में ऐसे बोलते हो कि ये कुछ 250 भड़वे बैठे हुए हैं वहां जो खालिस्तानी है, जिनको फंडिंग जो हो रही है वो पाकिस्तान और कनेडा से हो रही है, ये सारे देश के गद्दार हैं। मैं नहीं, आप सब जानते हैं कि किसान सबका पेट पालता है, अन्नदाता है, उसका इज्जत मान और सम्मान एक अन्नदाता के तौर पे किया जाता है, ना कि किसी अलगवादी की तौर पे, आतंकवादी की तौर पे, खालिस्तानी की तौर पे, डिक्टेटर की तौर पे। अकेले ये किसान नहीं, इनके सारे का सारे परिवार ही होते हैं तकरीबन देशभक्ति के साथ और देश की रक्षा के लिए जुड़े होते हैं। जो लोग यहां पे बैठे हैं टीकरी बॉर्डर पे, सद्दू बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे, इनमें से तकरीबन हर परिवार का एक या दो बच्चे हमारी सरहदों की रखवाली के लिए सरहदों पर बैठे। आप सबको याद है 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई और अपना कारगिल का ये युद्ध, जिसके अंदर मरने वाले इन्हीं के बेटे थे, जो शहीद हुए थे इन्हीं के बेटे थे, जिन लोगों को तगमे मिले, इनाम मिले, वो भी सारे इन्हीं के बेटे थे। और आज जो ये आंदोलन चल रहा है, किसी एक स्टेट का आंदोलन नहीं, सारे देश का किसान एक जगह आकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। और उनको अगर कोई आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि ये अलगवादी है, ये वक्तवादी है, ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, बैली समता के इससे ज्यादा शर्म की बात किसी और के वक्त के गले से निकले। और एक ट्रेंड सा हो गया कि जो भी आदमी बीजेपी की सरकार के बदलाव खड़ा होता है, अपनी आवाज उठाता है, उसको वक्तवादी और आतंकवादी कहकर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब भदूरी जी कहते हैं कि वहां 250 लोग हैं और वो भी भड़ुए हैं, ये भड़ुआ लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, इसको मैं अंडरलाइन करता कि ये सारे भड़ुए हैं। मैं चाहूंगा रमेश भदूरी जी एक बार वहां जाके देख लो, ये लोग पिकनिक में नहीं आए आपके कहने के साथ, इस ठंडी में, इस बरसात के अंदर जहां ऊपर से भी पानी गिरा और नीचे भी पानी, अपने बच्चों को लेकर, जवान बेटियों को लेकर, बेटों को लेकर खुले जमीन के नीचे वहां बैठना और अपनी मंगों के लिए दृढ़ रहना, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये किसान ही कर सकता। और मैंने अपने 73 साल के जीवन में रमेश भदूरी जी जब आप इन किसानों की तरफ उंगली उठाते हो तो अपने मां बाप के ऊपर और अपनी परवरिश के ऊपर भी आप उंगली उठाते हो, जिसका जवाब दे आपको होना पड़े। आज सारा समाज जाग उठा, सिख समाज और देश का सारा किसान ये मांग करता है
रमेश भदूरी जी आप मेंबर पार्लियामेंट से इस्तीफा दो, स्पीकर से इस्तीफा दो, आप सारे इन किसानों से माफी मांगो कि ये जो मैंने गलत बयानी की है, ये मैंने सिर्फ अपने किसान भाइयों की बेइज्जती नहीं की, बल्कि मैंने अपने मां बाप के ऊपर उंगली उठाई है, तो वो भी एक किसान है। जो वह लंगर लगा रहे हैं, जो खाना बांट रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो सब हमारे दिल्ली के घरों की वो बेटियां और बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई का, अपने व्यापार का, अपनी इंडस्ट्री का नुकसान करके लिए इन बाटलों में जा रहे हैं और वहां बैठे हुए किसानों की देखभाल कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको इस तरह पूछ रहे हैं कि जैसे वो इनके पर्सनल मेहमान हैं। शायद घर में आए हुए मेहमानों को भी इतना नहीं, ये किस लिए है? इसलिए कि ये देश के लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी आपने बनाए हुए ये तीनों बिल अकेले किसान विरोधी नहीं, ये देश के विरोधी है, ये देश के विरुद्ध चल रहे हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी दूसरी कंपनियों को, कोऑपरेटिव किसानों को पालने के लिए आप ये बिल लाए हो, ये बिल इस देश को दूसरी गुलामी की तरफ ले जाएंगे, इसलिए ये आंदोलन खड़ा है। ये हक की आवाज है जो पंजाब से पैदा हुई। मैंने उस दिन लाइव में कहा था कि आग लगी है जो पंजाब के खेतों में, वो हक मांगती है इंसान के बेटों से, और इंसान के बेटे जो इस देश का किसान था वो सारे देश में जा रहा है, केरला से आ रहा है अनानास उनके लिए, तमिलनाडु से आ रहा है, आंध्रा से लोग आ रहे हैं वहां। मोदी जी आपकी अपनी स्टेट जिससे अंबानी और रूपानी पैदा हुए, उस गुजरात का भी हजारों की गिनती में किसान आके वहां बैठा हुआ, क्या ये सब खालिस्तानी है? ये सब आतंकवादी है? ये सब वक्फवादी है? मुझे तो बयान उसका सुनकर कई बार हैरानी आती है, और एक बात ही कहने को दिल करता है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। अगर ये किसान खालिस्तानी है, अगर ये किसान आतंकवादी है, अगर ये किसान वक्फवादी है, तो हम भी बहुत हैं। आज तो सारा देश ही वक्फवादी होकर उनके साथ चुनाव। एक बात याद रखें कि अगर इस देश की अखंडता के ऊपर, इस देश की एकता के ऊपर कभी सवाल पैदा हो, तो सबसे पहले उसके लिए सिख लड़ेगा मरेगा, ये किसान लड़ेगा मरेगा, फिर किसी समय इसकी जरूरत पड़े, तब तो हम आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहे थे, हम वक्फवादी नहीं दिखाई दे रहे थे। अब वो चबूतरा भी मिल गया, हमें बड़ी खुशी है कि भगवान राम के नाम पे उस मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके इतने वर्षों का काम लड़ाई थी। लेकिन जब हम कामों के लिए हम पढ़ते हैं तब कोई हमें खालिस्तानी आतंकवादी और वक्फवादी नहीं कहता। जब देश की सरहदों के ऊपर हम जान देते हैं, अपना परिवार अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, तब कोई हमें आतंकवादी वक्फवादी नहीं कहता। तब कोई नहीं कहता कनेडा से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। इसीलिए आज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अगर भदूरी जी और बीजेपी के सारे लीडरों को ये कह देना चाहते कि ये अगले 48 घंटे में इस बात से माफी मांग ले, पश्चाताप करे, हो सके तो पार्लियामेंट मेंबरी से भी इस्तीफा दे, हम लोगों को इन तीन जो बिल है इसके गुण मत बताएं, हमें इनके गुण नहीं सुनने, हमें तो ये बताओ जब किसान ये कह रहा है कि ये मेरे विरुद्ध है, और एक स्टेट का नहीं, एक किसान नहीं, पूरी की पूरी 25 स्टेटों के किसान इसके लिए लगे हुए हैं, तो आप इस बिल को वापस क्यों नहीं ले रहे और कब तक इसको लोगे? अरे 55 लोग मर गए,
55 लोग शहीद हो गए, मर गए, लफज उनके लिए नहीं है, वो शहीद हो गए, उन्होंने शहादत दे दी। और कितने लोगों का खून पियोगे मोदी जी, कितने लोगों का खून पियोगे? आप कहते हो मैं तो नाश्ते में सिर्फ एक सब्जी लेता हूं, रात को एक भाजी खाता हूं, तो ये 55 लोगों का खून पी के आपका पेट नहीं भरा गया? रोको ये शहादतों का, ये मरने का सिलसिला, और इन बिलों को वापस ले लो, वरना इनका डिटेंशन दिल्ली से हम शुरू करेंगे शनिवार को 11:30 तक। अगर मजदूरी जी ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इस खलसान आंदोलन को ये नहीं कहा कि ये देशभक्तों का आंदोलन है, तो उस दिन उनके घर का घेराव किया जाएगा। ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, जो बात मैं कह रहा हूं उसका मीनिंग है। आज भी मैं यही वार्निंग देना चाहता हूं रमेश भदूरी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं को, कि बाढ़ आ जाए इस आंदोलन को, देश के गद्दारों का आंदोलन ना थे, वाकवादियों का आंदोलन ना थे, आतंकवादियों का आंदोलन ना थे, और ना इसको खालिस्तानियों का आंदोलन दे के हमें चढ़ाया। ये देशभक्तों का आंदोलन है और ये आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैंने एक बात लिखी थी 2 दिन पहले कि रुकने वाले नहीं हम, कुए तमन्ना से बल्ली, सर दीवार से टकराएंगे दीवार में दर होने तक, जब तक दीवार में दरवाजा नहीं बन जाता, ये तीनों बिल वापस नहीं हो जाते, हम सारे दीवार को टक्कर मारते रहेंगे, इससे टकराते रहेंगे, चाहे इसका रिजल्ट कोई भी निकले, कोई भी अंत निकले। शनिवार तक मैं समय में दे रहा हूं, अगर शनिवार तक ये नहीं संभलेंगे, दिल्ली के हर गुरुद्वारे में, हर धार्मिक स्थान के अंदर भी हम इनके प्रभाव रेजुलेशन पास करें, इनकी एंट्री कहीं भी ये जाएंगे बैन करें, उसके प्रभाव काले झंडे लेके खड़े होंगे, और शनिवार को 12:00 11:30 का जो टाइम दिया है उस दिन हम इनके घर का घेराव करेंगे। ये आज के दिन मुझे आपसे कहना था। किसी ने भी सुने पार्लियामेंट के अंदर आपने कभी क्वेश्चन रेस किया कि पार्लियामेंट में जितने एमपीज हैं जिन्होंने पास किया ये कानून, जो आज किसान धरने पर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने अपने एरिया के एमपीज को कभी उन्होंने शिकायत की कि उन्होंने क्यों पास किया? एक बात में आप इसका सवाल तब पैदा होता जब राज्यसभा में तो वोटिंग हुई होती, बहस हुई होती, उन्होंने तो वोटिंग कराई, बहस कराई, बिल पेश किया और जय जयकार कर ली, अपोजिशन शोर मचाती नहीं, उसकी मुखालफत करती नहीं, कई उनके अपने एमपी भी इसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन किसी को बात कहने का, किसी को किसी की बात सुनने का, किसी को वोट देने का अधिकार दिया ही नहीं। आप इसको क्या देखें, क्या वजह रही होगी इसके पीछे उनकी, क्या आप समझते हैं, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? डिक्टेटरशिप, अपनी मेजॉरिटी का और अपने उसका नजायज फायदा उठाना, लोकतंत्र में ये नहीं होता। मैं भी 20 साल असेंबली का मेंबर रहा हूं, 2 कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ रहा हूं, कॉर्पोरेशन का मेंबर रहा हूं, 50 साल की मेरी राजनीतिक जीवन है, चुनरिस्टी तौर में पैदा हुआ, दिल्ली की 5 ट्रिब्यूनलों का प्रेसिडेंट रहा हूं, चुना हुआ डीडीए वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट और चुना हुआ रेकोगनाइज यूनियन का, मैंने इस तरह की डिक्टेटरशिप कभी नहीं देखी। हमारे यहां तो यही कहता जाता है कि लोकतंत्र इसी का नाम है जिसमें किसी की बात को सुना जाता है, किसी की बात, किसी को कोई बात कही जाती है, हम तो कोई भी बात नहीं करते। मोदी जी के सामने जब इन बिलों की बात करते हैं, जब बीजेपी किसी लीडर के सामने बिलों की बात करते हैं, तो मैंने एक फेसबुक पे देखा था, कहते जब इन्हें को एक दर्जी को किसी ने अपनी पैंट दी सिलने के लिए, उससे छोटी गाल, उसने कहा कि ये मेरी पैंट छोटी गाल, वो कहता बेटे निक्कर बड़ी अच्छी होती है, निक्कर में हवा भी बुरी लगती है,
और पाँव भी दिखाई देते रहते हैं, पिंडलियाँ भी दिखाई देती हैं। जब इनके पास बिलों की बात करो तो ये पेंट की बात भी करते, निक्कर की सेवन दिखाने शुरू कर देते, निक्कर बड़ी अच्छी है। किसी ने कहा है कि इस बिल में ये कौन है? जब मोदी जी ने भी किसी स्टेज पे कहा है कि इस बिल में ये सुनते हैं, ये कुछ होगा, इसका फायदा होगा। अभी आप क्या समझते हैं जो डेट पे डेट दिए जा रही है गवर्नमेंट, तो इससे क्या लग रहा है आपको, क्या वापस लेने की संभावना लग रही है? क्योंकि तो लंबा खींच रही है। अभी आपको कहती है आप लोग खेल के तरक के रुकने वाले नहीं, हम पूरे तमन्ना से बनी सब दीवार से टकराएंगे, दीवार में तार होने का, ये वापस ले या ना ले आंदोलन तब तक चलेगा जब तक दीवार में दरवाजा नहीं बन जाता और ये फिर वापस नहीं।